नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आज हम आए हैं हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव जी के पास। उनसे खास मुलाकात में उनसे विषय है, आज उनसे टूरिज्म के बारे में जानते हैं, उनसे टूरिज्म के बारे में जानकारी लेंगे कि उनके आगे की क्या प्लानिंग है। तो चलिए अरविंद जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो अरविंद जी, आपका हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके चेयरमैन बनने के लिए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मेरी भी शुभकामनाएं। आपका दैनिक भरोसा चैनल जो शुरू करने जा रहे हैं, ये लोगों की उस पर खरा उतरे, विश्वास पर खरा उतरे और निष्पक्ष भाव से आप सारी पत्रकारिता कर सकें, सच वो दिखाने की हिम्मत ईश्वर आपको दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके हरियाणा टूरिज्म को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है आगे? देखिए, हरियाणा टूरिज्म का मैं चेयरमैन बना था, पिछले महीने की 12 तारीख को मैंने पदभार ग्रहण किया था। वो 3 तारीख से ये सूरजकुंड का मेला जो है, यही बड़ी अचीवमेंट है कि जो 36वां मेला हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। ये अद्भुत कई मायनों में, ये अद्भुत इसलिए भी है कि ये शायद हस्तशिल्प का दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है, ये 36वां मेला। इसमें हमारा जो है, पहले जब ये 1987 में शुरू किया था तो बहुत छोटे स्तर पर इसको शुरुआत हुई थी, बाद में हम एक प्रदेश को अपना पार्टनर रखने लगे, बाद में कंट्री पार्टनर रहा और ये पहली बार जो है संघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन, जिसको हम SCO बोलते हैं, उसके 25 देश सदस्य हैं, उसमें से 14 देश यहाँ भाग ले रहे हैं और SCO जो है वो हमारा पार्टनर है। कंट्री इतनी 14 कंट्री, मतलब 25 कंट्री का जो है समूह, वो हमारा पार्टनर है और 26 के लगभग दुनिया के दूसरे देश और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यानी किसी मेले में यदि 40 देशों का पार्टिसिपेशन होता है तो आप उसको, उसकी विशालता को, उसके अद्भुत को आप कल्पना कर सकते हैं। इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट, वो हमारी थीम स्टेट है। ये सारा जो मेला हमने आयोजित किया है ये नॉर्थ ईस्ट की थीम पर किया हुआ है। पहले 7 सिस्टर्स कहते थे हम, 7 बहनें, अब सिक्किम जुड़ने के बाद ये 8 बहनें हो गई हैं, तो 8 सिस्टर्स हो गई हैं। तो वो हमारी जो है थीम स्टेट्स हैं और 1200 के लगभग यहाँ स्टॉल्स लगी हुई हैं और फुटफॉल का जो अंदाज़ा है कि वो भी एक रिकॉर्ड बीट करने वाला है। यानी 15 से 20 लाख लोगों का फुटफॉल जो है 3 तारीख से 19 समापन वाले दिन तक होने वाला है। सैटरडे संडे इतने ओवर क्राउडेड हैं कि हम लाख कोशिश के बाद भी, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी, हम इतना क्राउड आ रहा है कि 1.5 से 2 लाख लोग हमारे पास में जो है आ रहे हैं। तो एक अद्भुत सब मायने के अंदर है और हस्तशिल्प के जो कला लोग हैं उनको अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। पूरी दुनिया को पहली बार हमारे हिंदुस्तान की जो कला है, जो संस्कृति है, जो पहनावा है, जो खान पान है, उस सबसे भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है इस मेले के माध्यम से। तो जिसको हम विश्व गुरु मानते थे, जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे, तो मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ये बहुत सारी छाप पूरी दुनिया पर ये मेला छोड़ने वाला है। सर, जैसा कि अभी कोरोना काल रहा है, उसके बाद जैसे अब मेला स्टार्ट हुआ है, कोरोना जाने के बाद अब लगा है मेला, तो उससे भी कोई इफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं सुचित्रा जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, मेला हमने पिछले साल भी आयोजित किया था, लेकिन सर मेरे ख्याल से पिछली बार बारिश वगैरह का भी था कुछ और कोरोना को लेकर के भी लोग बहुत डरे हुए थे, तो इस वजह से मेरा ये सवाल था कि कोरोना को लेकर के जो टाइम बीता है और जो आने वाले पर्यटक हैं या जो आप यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं उनको भी काफ़ी, मतलब जो पहले देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग पहले और अब में कितना डिफरेंस? देखिए, जो 2 साल गए हैं वो पूरी दुनिया के लिए बहुत कष्टकारक गए हैं। ईश्वर दोबारा कभी ऐसा मौका इस विश्व के ऊपर ना लाए। तो निश्चित तौर पर सारा दुनिया ही डरी हुई थी, हिंदुस्तान भी डरा हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ के लगभग है और ये तो मोदी जी का नेतृत्व था कि जो अपने को विकसित देश कहते हैं, उन देशों के अंदर कितना कोरोना के कारण से नुकसान हुआ और इतनी विशाल आबादी होने के बाद भी हम मोदी जी के नेतृत्व में उनके काम करने के तरीके, क्योंकि मैं उन सब भाग्यशाली लोगों में से भी हूँ कि जिसने मोदी जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है। मोदी जी हमारे प्रभारी होते थे और हिंदुस्तान में मोदी 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 के जो नारे आप सुनते हो वो भी लगवाने का सौभाग्य मुझे है। मैंने सबसे पहली रैली रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की कराई थी और मोदी जी को कह के वहाँ रेवाड़ी में कराई थी, वहीं से मोदी मोदी के नारे, तो मैंने बहुत लंबा समय उनके विजन को मैं जानता हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उनके साथ भी 25-30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उनके विजन को भी मैं जानता हूँ। तो जब दो शख्सियतें यहाँ प्रदेश में भी और केंद्र में भी ऐसा नेतृत्व जिनके हाथों में हो, तो ये निश्चित तौर पर एक विशाल है और आगे बहुत सारी योजनाएं, आपने पूछा कि आपका सवाल था कि क्या योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारी योजनाएं कि इसमें हम जो है दीपावली के आसपास प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके का आत्मनिर्भर भारत को हम टारगेट करते हुए एक मेला और ऑर्गेनाइज करेंगे यहीं पर। तो मोदी जी का जो स्वप्न है कि भारत में बनी हुई जो है
वोकल फॉर लोकल को भी ध्यान में रखेंगे कि विदेश का कोई सामान यहाँ ना आ पाए, ऐसी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई है और वो पाइपलाइन के अंदर है और जल्दी हम उसको बाहर लेके आएंगे और एक बड़े स्तर के ऊपर हम वो भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके बाद हमारी योजना है कि जितने भी, क्योंकि हरियाणा पर्यटन निगम की प्रॉपर्टी बहुत प्रॉपर लोकेशन पर है, तो और मोदी जी का एक और सपना है कि जो हर ज़िले के अंदर जो वहाँ का प्रोडक्ट है उसको हम कैसे फोकस करते हैं, कैसे हाईलाइट्स करते हैं। अब मैंने इस मेले के अंदर किया है मोटे अनाज को लेके एक स्पेशल, आप घूम के आइएगा एक, क्योंकि ये दक्षिण हरियाणा के अंदर बाजरा होता है, तो बाजरे का आपको पिज्ज़ा भी खाने को मिलेगा, बाजरे की खिचड़ी भी मिलेगी, बाजरे का दलिया भी मिलेगा, बाजरे के बिस्कुट भी मिलेंगे, बाजरे के लड्डू भी मिलेंगे, बाजरे का चूरमा भी मिलेगा, बाजरे की रोटी खाटे का साग भी मिलेगा। 20 तरीके के आइटम मैंने यहाँ पर इस मेले का एक जो है ना बहुत बड़ी स्टॉल हरियाणा फूड्स के नाम से लगी हुई है, तो मोटे अनाज को भी हम लोगों ने इसमें फोकस किया है, उसको भी हाईलाइट्स किया है क्योंकि हमारी बेल्ट के अंदर होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो इस तरीके के जो जहाँ प्रोडक्ट्स जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं तो हम उनको वहाँ पर हमारे हरियाणा पर्यटन निगम की जो जगह हैं वहाँ पर एक एक मेले को हम आयोजित करेंगे, अपनी छवि को जो थोड़ा सा कभी हरियाणा की पहचान होती थी ट्रांसपोर्ट के लिए और टूरिज्म के लिए, वो थोड़ा सा धक्का लगा है हमने, कहीं ना कहीं उसको खोया है, उसको कोविड का कारण भी है और भी कारण है, उन सबको चुस्त दुरुस्त करके आने वाले समय के अंदर आपको हरियाणा पर्यटन निगम एक नए रूप में दिखाई देगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। सर, मेरा अगला सवाल है कि जैसे काफ़ी समय से टूरिज्म डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा है, तो उसके प्रॉफिट के लिए आपके क्या प्लानिंग है? उसी के प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारे रूम्स की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम लोगों को अच्छी सर्विस देकर अपनी ओर आकर्षित कर सके, हमारा फुटफॉल बढ़े, उसी के लिए ये सारी योजनाएं, तो उसको हम जो है अगले 6 महीने के अंदर आपको ये बदले हुए रूप में दिखाई देगा। जिस घाटे की आप बात कर रहे हो वो घाटा भी निश्चित तौर पर जो है पूरा ख़त्म नहीं होगा तो कम जरूर होगा, क्योंकि मैं 2 साल हरको बैंक का चेयरमैन रहा हूँ, हरको बैंक को भी 2 साल के अंदर जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस आयाम पर लेके आए हैं, पिछली बार वहाँ पर भी हमने 118-120 करोड़ का जो है प्रॉफिट निकाल के दिया था, तो हरियाणा टूरिज्म को भी हम उसी गति से उसी स्पीड से लोगों के फिर विश्वास के लायक बनाएंगे कि लोग अपने शादियाँ, अपने बर्थडे, अपने किटी पार्टीज, अपना सब कुछ जो है डेस्टिनेशन मैरिजेज वो हरियाणा पर्यटन निगम में आकर करें, ऐसा विश्वास हम लोगों को दिलाएंगे। सर, मेरा अगला सवाल होगा कि अहीरवाल में भाजपा की जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, राजनीति का नाम ही गुटबाजी है, वो एक अहीरवाल को कहे कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होता कि जो उससे अछूता हो, तो ये रहती है, परिवार है, परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें चलती है, सब जगह चलती है, घर में भी चलती हैं, तो ये तो इतना राष्ट्रीय स्तर का और आज तो मैं ये कहूँगी दुनिया का सबसे बड़ा दल है, लेकिन कोई ऐसी ना मनभेद वाली बात है ना कोई ऐसे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन सबके एक हैं, कोई मनभेद वाली बात नहीं है, इसलिए हरियाणा में फिर तीसरी बार भी हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में भी फिर तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो आयाम हमने स्थापित किए हैं और लोगों का जो विश्वास हमने जीता है, और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो हमने पूरी दुनिया को, जो 56 इंच की बात करते हैं वो सीना हमने पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया है, तो इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि तीसरी बार हमारी केंद्र में या प्रदेश में सरकार ना बने। आपने मेरे अगले सवाल का जवाब पहले ही दे दिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि क्या आपको लगता है कि देश और प्रदेश में भाजपा दोबारा से हैट्रिक बना पाएगी? निश्चित तौर पर बना पाएगी, क्योंकि हम लोग जब सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों ने पहले लोगों से कहा था कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन वाले लोग हैं, हम लोग सत्ता परिवर्तन वाले लोग नहीं हैं, तो जो व्यवस्था परिवर्तन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, चाहे वो नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी की बात हो, चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की, मतलब इतने सारे काम प्रदेश के अंदर हुए हैं और मोदी जी के कामों को तो पूरी दुनिया सराह रही है, हिंदुस्तान का झंडा लेके जो है यूक्रेन के और रशिया के, रूस से पाकिस्तान वाले बच्चे वहाँ से निकल के आ गए, तो केंद्र का तो कहें क्या, क्योंकि आज देश के पास मोदी जी का विकल्प कोई भी नहीं है और उसी तरह प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी का विकल्प नहीं है, तो दोनों जगह थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हम लोग 2024 में सरकार बनाएंगे, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। चलिए सर, ये तो बात हुई सरकार की। सर, मेरा अगला सवाल है कि क्या आपको मतलब किन किन जिलों में, आपको प्रदेश के किन जिलों में आपको लगता है कि टूरिज़्म में बढ़ावा होगा? देखिए, बहुत सारे देश की इकोनॉमी वो टूरिज्म पर निर्भर करती है, हमारे हिंदुस्तान में भी कई प्रदेशों की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर, चाहे हिमाचल को हम लगा लें, गोवा को हम लगा लें, हम जम्मू कश्मीर को लगा लें, जो जम्मू कश्मीर के हालात है 370 हटाने के बाद आज नॉर्मलाइज हुआ है, सारे का सारा टूरिस्ट फिर जाने लगे, जिस हालात से जम्मू कश्मीर गुजरा है वो हम सब लोगों के सामने है, जितना जख्म उसने सहे हैं वो हम सब लोगों के सामने है, तो टूरिज्म के अंदर अपार संभावना है और हरियाणा में इसलिए ज़्यादा है कि दिल्ली को चार तरफ से जो है हरियाणा ने घेरा हुआ है, तो जितना भी टूरिस्ट पूरी दुनिया से आता है उसके लिए डेस्टिनेशन सबसे
बेस्ट जो है कोई है तो वो हरियाणा टूरिस्ट है, टूरिज्म है, तो उसको हम फोकस करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हर किसी पर्टिकुलर ज़िले की बात नहीं है, सब जगह जाके इतने हमारे पास साइट्स हैं, इतने हमारे पास लोकेशंस हैं कि हम आकर्षित करेंगे तो हमारा फुटफॉल बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा और निश्चित तौर पर जो है एक नए रूप के अंदर आपको हरियाणा पर्यटन निगम दिखाई देगा। पूरी तरह से हरियाणा टूरिज्म पर फोकस किया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातें कही, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थे अरविंद यादव जी, जिनसे आज हमारी खास मुलाकात में आपने उनकी विभाग बातें सुनी। तो इसी के साथ बने रहिए और देखते रहिए दैनिक भरोसा।